कानपुर के घाटमपुर इलाके विहारीपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी युगल को लड़की के पिता ने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लड़की की उम्र 16 और लड़के की उम्र 15 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के पिता अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान रात को लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया तो पड़ोस में मौजूद लड़की के चाचा ने दोनों को पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर पिता को सूचना दी। सुबह शादी समारोह से वापस घर पहुंचकर पिता ने दोनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हमको कुछ घर में सर जानकारी हुई कि लड़का घर में नहीं है, तो हमने कहा देखें, तो जब यहाँ आए, हमको कुछ शंका थी थोड़ी पहले से, तो हमें आए तो जो देखा तो ताला लगा था, तो उनका भाई दीपक था, दीपक ताला लगाए चाबी लिए था, तो उसने कहा कि देखो हमारे भाई नहीं है, जिसकी बिटिया है वो आ जाएंगे, तब तुमको चाबी है ताला जो कुछ लेना हो तो ले लेना, हम विश्वास में थे। इसके बाद में जब इनके भाई दोनों आ गए तो ये भीतर तीनों भाई घुस गए अंदर, अंदर के माड़ा खुला लिया, घुस गए, हम तो गिन गिन बंद कर लिए गेट, फिर इसके बाद में तीनों लोग उसके मारे ला गए। किस चीज से वार किए उसने? कुल्हाड़ी से। किसने किसने वार किए? रामा सरे, दीपक और शिवा सरे। सर ये जो प्रकार सामने आया है, यहाँ पर डबल मर्डर का क्या मामला है पूरा? ये ग्राम बिराहिमपुर पड़ता है, थाना घाटमपुर के अंतर्गत। यहाँ प्रेम प्रसंगों को लेकर एक डबल मर्डर हुआ है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर इसमें किसी की अरेस्टिंग हो पाई है? अभी आगे कार्रवाई प्रचलित है, लास्ट पोस्टमार्टम में भेजी जा रही है, आगे प्रयास।